महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी नेताओं ने नागपुर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्र के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 2 निरीक्षकों को नागपुर भेजा है और गुरुवार को रवि भवन में 12 सीटों की समीक्षा बैठक की। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में मनसे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप बाबू धोत्रे इनके द्वारा दी गई। जिले के 12 विधानसभा क्षेत्र की बैठक 1 अगस्त को रवि भवन में संपन्न हुई है। बैठक में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पार्टी के नेता और अध्यक्ष दिलीप बापू धोत्रे, MNS इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अवधूत चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष किशोर सरायकर की प्रमुख उपस्थिति में मुख्य प्रकोष्ठ एवं अन्य सभी शासकीय प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया तथा किए गए कार्यों की रूपरेखा जानी। इस दौरान पत्रकारों द्वारा धोत्रे से विविध विषयों पर सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने संवाद साधा। गेले 8 दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष माननीय रावसाहेब ठाकरे यांनी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून घोषणा केली की महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 250 आसपास जागा या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वतंत्रपणे त्या ठिकाणी लढवणार आहे। त्या अनुषंगानं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमचे सगळे निरीक्षक प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन त्या त्या विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेत आहेत। मी स्वतः नागपूर जिल्ह्याचा निरीक्षक म्हणून मी आणि गौरव अलवलकर आमची सगळी टीम आम्ही नागपूर शहर जिल्ह्यातील ज्या 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत त्या सर्व 12 विधानसभा मतदारसंघाचा आम्ही त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी आढावा घेतला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्यात, कार्यकर्त्यांची चर्चा केली आहे। अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे, अनेक लोकांना आम्ही या ठिकाणी भेटलोय। लोकांच्या मनात माननीय रावसाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल अतिशय प्रेम आणि आदर आहे। लोकांचं आता स्पष्ट मत आहे की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणे आम्ही रावसाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाला मतदान करू। त्यामुळे मला खात्री आहे की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जास्तीत जास्त उमेदवार या ठिकाणी निवडून येतील। वही जब आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के नाम पूछे गए तो कोई नाम नहीं आने पर नागपुर उपनगर अध्यक्ष तुषार गिरी ने खड़े होकर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की और सभी पदाधिकारी एकजुट हो गए और समर्थन की घोषणा की। नागपुर शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े और विशाल बड़के, शहर सचिव श्याम पुलियानी की उपस्थिति में सभी पदाधिकारियों ने बताया कि वे तुषार गिरी का पूरा समर्थन करते हैं और तुषार गिरी के चुनाव लड़ने की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।